बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थाई स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, यहाँ मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है, पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग का समय सीमित होता है वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है, जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है, ये और समस्या है वहाँ स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की, वासियों को उनको पहले ही पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी, ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है, तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है, वहाँ मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहाँ से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा बलपूर्वक, फिर नरक में डाला जाएगा, नरक का समय पूरा होते ही वहाँ से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहाँ से हुई चलो चलो, स्वर्ग में गए वहाँ होगी चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो, गधे की योनि पाई फिर मृत्यु हुई चलो, कुत्ता बनो कुत्ते की मृत्यु हुई चलो, सुअर बनो, तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं कि मानव शरीर, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही एक घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीब दास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाव। अब दाव कैसा है, मनो शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने बताया है सुखदेव ने 84 भुगति बना पजावे खर, वो तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खर, वो खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस किलन पर जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं और जहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में, और खर माने गधा,
ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग, जिससे ये 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा, उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है, तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है, तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है, वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए गंगा के किनारे, कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है, और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है, ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है।
अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता जे इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्मा 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद सभी विभागों को बता देगा, सवेदवित वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति,